बहुत अनयूजुअल जगह पे हैं जहाँ हमें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा है, दैट इज अ हॉस्पिटल रूम. जतिन हैज अ सर्जरी एट 12 o'clock. अभी अराउंड 8 o'clock है, सो हमारा एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल स्टार्ट हो गया था एंड वी कम टू आर रूम. एंड अब 2-3 घंटे में जतिन का थोड़ा सा टेस्ट एंड ऑल करना है जो सर्जरी के पहले होना था, फॉलोड बाई विच ही विल गो इन टू द सर्जरी. OT ही हैज टू गो एट 12. And today we are going to stay back here. I think if everything goes well, kal sham tak hame discharge mil jayega. So I'll show you guys the patient now. Mr. Patient, how are you feeling? Dar lag raha hai. So this is the entrance to our room. Very basic bathroom. That's the almirah for us to keep all our stuff. मैंने already सब चीज़ें डाल दी हैं और ये attendance bed है which is obviously mine. This is Jesha's bed and for him to eat and this is the couch and that's my patient and that's the view we have. तो बेसिकली जेशा को वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हम हॉस्पिटल आते हैं इंजेक्शन एंड ऑल के लिए भी, वैक्सीनेशन के लिए. तो कल से जेशा ने शायद 100 words भी नहीं बोले हैं बिकॉज ही हैड हिज सर्जरी. हाँ जेशा, है कुछ इतना मेजर नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब भी हॉस्पिटल जाओ तो डर लगता है. इसीलिए पहले हम लोगों को फील गुड कराने के लिए मुझे लगा रूम तो ठीक चाहिए भाई, फील तो आनी चाहिए एटलीस्ट. और यहाँ भी कितनी चीप है पढ़ना, बोल यार सुनो रूम तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिन और एक्सटेंड करा लेंगे. यूजली ऐसा होता है ना कि जब हम होटल में चेक इन करते हैं तो हम बोलते हैं यार रूम बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है, एक दिन रुक जाते हैं. तो आई टोल्ड जतिन कि एक दिन और रुक जाएंगे, रूम अच्छा है. नहीं बेबी, मैं आपको एक्चुअली पेप अप करने के लिए सब बोल रही हूँ क्योंकि आप इतने साइलेंट मुझे कॉलेज से अभी तक पहली बार लगे हो पूरे दिन में. 12 कब बजेंगे भाई? अभी तो टेस्ट होंगे, इंजेक्शन लगेंगे. अभी तो इंजेक्शन लगने बच्चे हैं. कैसा लग रहा है इंजेक्शन? हम इतने यूज्ड टू हो गए ना इंजेक्शन एंड ऑल के, इनको अभी भी बहुत डर लगता है. तो बेसिकली जेशा को सुबह 5 o'clock के बाद डॉक्टर ने बोला था कि वो कुछ भी नहीं खा सकते. वो हड़बड़ में और थोड़ी सी नर्वसनेस में मैंने भी नहीं खाया. थैंकफुली आई थॉट मुझे नीचे जाके खाना पड़ेगा विच इज़ देयर स्मॉल रेस्टोरेंट दे हैव हियर, बट थैंकफुली दे डिलीवर इट इन द रूम ऑल्सो. सो आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर समथिंग हियर. नहीं बट मैं यहाँ मंगाऊंगी तो स्मेल आएगी, आपको मन करेगा खाने का, मैं नीचे ही खा के आ जाती हूँ. जैसा यू कैन सिट एट वन प्लेस यू नो मिस्टर शाह, यू कैन सिट एट वन प्लेस. जैसा के कपड़े आ गए, यू हैव टू वेयर दिस. मैं ब्लू ही पहन गया हूँ, बोलो चला लेता हूँ. अरे नहीं बेबी, उस पर वो सब इंजेक्शन वो सब इजी होता है ना. अभी आपका ये फुल स्लीव्स है तो इंजेक्शन नहीं लग पाएगा आप पे. कपड़े मैं शायद पहली बार पहनूंगा. क्या बात कर रहे हो यार, मैं पहली बार पहनूंगा, इसीलिए इतना हेल्दी नहीं होना चाहिए लाइफ में. हम तो यूज्ड टू है ये सब के. ये मैंने कभी नहीं पहना है. बाय गॉड, अरे व्यू एंजॉय करो यार, लग रहा है लीला होती बैठे हैं पीछे, देखो कितना अच्छा व्यू है. और कहीं लेके थोड़ी नहीं जाती बेबी मैं आपको ऐसे टाइम पे. फिर व्यू कितना अच्छा हो, गॉड ने आपके लिए वेदर भी अच्छा कर दिया. फिर तो क्या कर रहे हैं हमारे पेशेंट साहब? किट मिली है. क्या मिला उसमें? जेजा भैया अभी बेबी गाजे पे और पिकनिक. इसमें ब्रश है, ये तो होटल टाइप है यार, लगाओ बॉडी क्लीनर. हॉस्पिटल में कि रिसॉर्ट में? मैंने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे को एनेस्थीसिया दे देना क्योंकि मेरे को देखना नहीं है कट पिट में पेन वेन होगा.
और मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ तो एनेस्थीसिया का असर नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड एनेस्थीसिस्ट बैठते हैं जो ये सब देखते हैं। तो असर नहीं हुआ, उन्होंने वैसे ही कट कर दिया। अरे यार पागल थोड़ी ना है, इतने अच्छे हॉस्पिटल में, कोई सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी ना आए हो आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसीलिए तो आए हैं। मैं इसीलिए खाना पीना इतना अच्छा रखता हूँ कि ऐसे दिन ना देखने पड़े। 40 साल में मैं ऐसे पहली बार आया हूँ। नीले नीले अंबर बनने, नीले नीले अंबर में 40 साल में पहली बार बना। अब तो बहुत बार बन चुके हैं, बनने नहीं भाई। मैं इससे और एक चीज सीख ली है मैंने कि अपनी फिटनेस इतनी सही रही। एक्चुअली इस चीज का कुछ कर नहीं सकते थे फिटनेस से, ये तो क्या है वो आ जाता है कभी कभी। आई थिंक ये सब तो हार्मोनल भी होता है। हार्मोनल भी कुछ भी बस आ रहे, अभी इंजेक्शन लगा दे। 2-3-4 भी टेस्ट। एक्चुअली क्या हुआ ना कि यहाँ पे जब आई रहते हैं तो मैंने सोचा कि बाकी के टेस्ट भी थोड़े बहुत कराई लिए जाएं, जैसे बॉडी चेकअप फुल होता है ना, तो मैंने वो भी इंक्लूड कराई लिया, जैसे वो शुगर का हो जाए भी। नहीं वो सब दैट वाज रिक्वायर्ड ओनली बिफोर योर सर्जरी, डॉक्टर हैड सेड। ओके, वो उसने बोला था ना कि बीपी डायबिटीज एंड ऑल सब चेक होगी बिफोर वी गो इनटू ओटी। अब इतनी सभी कट मार के स्टिचेस करने हैं उसमें क्या है। मुझे समझा रही थी दादी, मेरी सर्जरी हुई थी तो एनेस्थीसिया लगाया था। सोचो उसके तुम मुंह के अंदर लगाए जा रहे थे। पक्की सर, एक लंबी सांस लेनी है अभी लो। एक लंबी सांस लीजिए, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए सांस, रिलैक्स हो जाओ। हो गया है 2 मिनट, सिर्फ सैंपल लेंगे। दर्द हो रहा है? नहीं। कितना दर्द हुआ? थोड़ा सा। सांस नहीं चल रही है, सांस पे कंसंट्रेशन चला गया। इसीलिए तो उन्होंने सांस लेने के लिए आपको बोला था। क्या हो रहा है? वो तो होप आप एडिट पे देखो। थोड़ा सैंपल ले रहे हैं। okay. अभी हो गए ऑलमोस्ट आने की, 2 बच्चे फिर फंसे जा। कैसी फीलिंग आ रही है? सो गया था। Thank you.
कैसा फील हो रहा है? यार बहुत जोर से भूख लग रही है, प्यास लग रही है। भूख लग रही है? 19-20 घंटे हो गए यार खाए मुझे। बस आधा घंटा और है फिर पानी देंगे, पूछ के आई मैं। देन डिसाइड कि 15 मिनट के बाद अगर प्यूकिश नहीं फील होता है तो फिर कोकोनट वाटर, और फिर प्यूकिश नहीं हुआ तो खिचड़ी। प्यूकिश क्यों होगा? ठीक लग रहा। अब वो सेडेशन का पूरा अंदर दिया है ना, तो देवर सिंह वो अंदर क्या बोलते हैं, आपका बीपी भी वहाँ पे लो हुआ था सर्जरी के टाइम पे, तो काफ़ी लो जा रहा था। दैट्स व्हाई देयर सेइंग कि उठाना उठाना भी नहीं, और धीरे धीरे प्यूकिश व्यूकिश फील होगा तो और तबियत जाएगी आपकी। हाँ यार सुबह इतनी मस्ती कर रहे थे, अब आप लो लो लग रहे हो एकदम। अरे मुझे भूख भी लग रही है बहुत। बॉडी फील वील हो रहा है कुछ? नहीं फील हो रहा। नहीं फील हो रहा? थोड़ा सा पांव हिला पा रहा हूं। बस एक ही राइट वाला हिल रहा है ना, ये मैं टच कर रही हूँ तो पता चल रहा है आपको? अभी दबा रही हूँ पता चल रहा है? और ये वाला ओके आ रहा है सडे वापस मूवमेंट। देखो हो रहा है ना, ये वाला नहीं कर पा रहा, लेफ्ट वाला नहीं कर पा रहे ना। देखो हिलाने की कोशिश करो, ये तो हिला ही नहीं पा रहा। अरे यार अपन को बोल देना चाहिए था ब्रेन सर्जरी भी कर दे, कम है बोल देते कि सर कम है थोड़ा ज्यादा डाल दो। है हिल तो पाऊं ही नहीं, मैं ऐसे करके हिल नहीं पाऊंगा। नहीं अभी उसने बोला है बेड पैन पे करना है। You cannot get up for Susu also, sir. Susu आई नहीं रही है। हाँ वो सुबह से कुछ खाया, रात से कुछ खाया पिया नहीं है, कहाँ सुसु और बनेगी? अभी सिर वाला सिर पे बांधा है क्या अभी भी? हाँ? तो इसको क्यों निकाल दे रहा है? इसकी क्या जरूरत है? सिर दबाऊं? कुछ ही हो रही है, कुछ ही कर। मम्मा टेंशन में थे, दो बार फोन कर दिया। मम्मी को ना? हाँ। बब्बी एकदम जोर से सेटल हो गए। बब्बी चाय मंगा दे। आएगी क्या चाय? आ जाएगी, मंगा दो। लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ा है, छोड़ी बच्ची है ना, प्रेस करता। एक देखो नर्स का है, एक है उसका हाउसकीपिंग का। दबाना मत, अभी आ जाएंगे। आकू डैडी नीचे ऊपर कराऊं थोड़ा सा कि नहीं कराऊं? अभी कैसी फीलिंग आ रही है? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, वो स्टिचेस पे टच होता है तो थोड़ा सा पेन हो रहा है। कल तक डॉक्टर सिंह बेटर हो जाएगा। आई होप। शिफ्ट करूं? नहीं है। अब इसको बंद तो करो। जीजा इतना डरे हैं सुबह से कि सिंपति की जगह हम दोनों हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। फेस देखो, फेस बस फेस दिखा रही हूँ। शिफ्ट तो जय शाय बार। अभी ऐसे नहीं हूँ, अरे कोशिश तो करो, मैं कराऊँ? नहीं तो इधर कुछ है और इधर कुछ है, ऐसा लग रहा है पार्टी के लिए बैंड बांध दिया। He's not letting me touch him also. He's like, don't touch me. तो मैं क्या करूँ फिर? अभी stitches है ना, तो ऐसा तो कल तक बाबा ठीक होगा बोले हैं वो। ये तो नीचे करो खाना। नहीं वो ऐसे खाने में तो बहुत ही boring चीजें दे दी उन लोगों ने। नहीं पर ठीक है, रायता खिचड़ी दाल कल से प्रॉपर खा सकते हो उन्होंने बोला। ठीक है, कैसा है? नमक है और मंगाओ? नमक मत मंगाओ, नहीं जरूरत है। मस्त है यार।
अच्छी है, खालो खालो, गरम करा दूं क्या? थोड़ी तो फील है, एक बार की हॉस्पिटल में हमें फील ही नहीं आ रही है। तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, अपन ऐसे करते हैं पागलों जैसे हंसने वाला काम। ठीक है यार, लाइफ रिलैक्स होनी चाहिए यार, हॉस्पिटल बेड पे तो क्या हुआ। और ये हॉस्पिटल में वैसे हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आ रही है, इस बेड को छोड़ के पूरे कहीं पे भी ऐसी फील ही नहीं आ रही है हॉस्पिटल के अंदर है। खिचड़ी भी एकदम घर जैसी है। इवन द रूम इज सो नाइस। कल डिस्चार्ज? कल डिस्चार्ज हो गया, स्टिचेस अभी लगे हैं लेकिन है भले वो कौन से क्या बोलते हैं उसको, सेल्यूबल, सेल्यूबल है लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, कुछ टच हो रहा है वहां तो। कल तक ही सीइंग बेटर हो जाएगा। सो अब आई थिंक आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर फॉर टुनाइट। कल सुबह या अभी कोई मेजर इवेंट जतिन शाह ने परफॉर्मेंस दी वापस तो मैं डेफिनेटली व्लॉग करूंगी, बट इफ नॉट देन आई थिंक आई विल एंड द व्लॉग हियर फॉर नाउ। हैप्पी मॉर्निंग। हो गया डिस्चार्ज? हो गया डिस्चार्ज। तो बेसिकली हमारा डिस्चार्ज तो 10 o'clock डॉक्टर हैड सेड कि आप जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली बिकॉज हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था ऑलमोस्ट 4:30 हो गया, आफ्टर विच वी गॉट द डिस्चार्ज, बट थैंकफुली वी हार्डली हैड टू पे एनी अमाउंट, एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन द इंश्योरेंस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिसने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है टर्म एंड हेल्थ, प्लीज टेक इंश्योरेंस, इट हेल्प सो मच। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं बाद में देख लेंगे एंड ऑल दैट, एंड दिस टाइम द सर्जरी डिडंट कॉस्ट अस मच, बट अगर सडनली कुछ ऐसा होता है जब हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट हॉस्पिटल में जाने वाला होता है तो बहुत बड़ा डेंट हो जाता है इन द वे वी आर प्लानिंग आर फाइनेंस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इंश्योरेंस। सो आई अपील टू ऑल द पीपल, प्लीज टेक इंश्योरेंस एंड स्टे हैप्पी। और जिसने मेरा इंश्योरेंस किया है बहुत ही अमेजिंग बंदा है, उसका नाम है चेतन, तो मैं उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाई चांस अगर किसी को भी चाहिए तो। वो सुपर सुपर फ्रेंडली है और सुपर हेल्पफुल बंदा है, सो अगर किसी को चाहिए होगा तो वहाँ कर सकते हैं, और ये एक प्रमोशनल नहीं है। और आई एम सो हैप्पी डिस्चार्ज मिल गया, और अपना ने पूरा पत्नी होने का पूरा ध्यान लगाया उसने, रात में नींद नहीं बिल्कुल चाहिए, फिर 7 बजे मेरे का कहीं से आवाज़ आई, मैंने जैसे देखा बिल्कुल चाहिए तो बता देना नहीं, लेकिन 3-4 बार अपर्णा उठी रात में, जोक्स अपार्ट, लेकिन थैंक यू सो मच। चल घर चलते हैं आपको के पास, चल जल्दी चलते हैं, चेंज करता हूँ। मिल गया है डिस्चार्ज, बस घर की तरफ है, अपना गई है मेडिकल पे कुछ सामान लेने के लिए। फीलिंग गुड, नथिंग टू वरी, लेकिन ऐसा होता ना कि जब भी हॉस्पिटल पहुंचो तो थोड़ा सा डर लगता है। ऐसी टेप लगाई है, वैक्सीन हो गई, अब ये तो निकाल ही नहीं रहे। वो नहाओगे ना तो निकल जाएगा। आपको सिंह को पता नहीं है ना कि हम पहुंच रहे हैं? हेलो अन्या, वेलकम बैक। वाओ दैट्स स्वीट, वेलकम होम। आप लोग खोल नहीं देते, मैं बोला ये तीनों के तीनों एसपी स्टेशनरी तो नहीं चले गए? सो फाइनली मैं अच्छे से घर पहुंच गया हूँ। ये है मेरे कजिन्स बब्बी और द्रुति, जिन्होंने आकू का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा। सही कहूँ तो सर्जरी में पेन बहुत हुआ, लेकिन क्या है फैमिली जब साथ होती है ना तो ये सारे पेन सब इजी हो जाते हैं। सो आज का व्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे एंड, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अंटिल वी सी यू गाइस अगेन, प्लीज़ टेक केयर।